रोड सेफ्टी फॉर रेणुकाजी कॉलेज में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। भाषण प्रतियोगिता में निशा फर्स्ट और श्वेता सेकंड पोजीशन पर रही। कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर नीलम ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। सिरमौर जिला के ददाहू स्थित राजकीय महाविद्यालय रेणुकाजी में बुधवार को सड़क सुरक्षा विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में जहां निशा व श्वेता क्रमशः प्रथम व दूसरे स्थान पर रहे, वहीं नारा लेखन में मनीता व रेखा, मॉडल में मनीष तथा रोहित व पेंटिंग में मीरा व लक्ष्मी पहले व दूसरे स्थान पर रहे। कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर नीलम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छात्रों से एमवी एक्ट अथवा यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए इस बारे अपने परिचित लोगों को भी जागरूक करने को कहा। पुलिस थाना रेणुकाजी के एसआई संजीव ठाकुर ने बतौर रिसोर्स पर्सन मौजूद छात्रों को मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं की आसान भाषा में जानकारी दी और हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में प्रोफेसर दिनेश, रमेश कुमार व सुरेंद्र कुमार आदि कॉलेज के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार का विधानसभा क्षेत्र रह चुके रेणुकाजी की अब तक एनएच और यहां तक कि स्टेट हाईवे से भी वंचित होने के चलते यहां तंग व खस्ता हाल सड़कों पर वाहन हादसों का ज्यादा अंदेशा रहता है और ऐसे में इस तरह के रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम एक्सीडेंटल डेथ रोकने में काफी मददगार साबित होते हैं। तो जो राहगीर होते हैं, जो उस एक्सीडेंट को देखते हैं या जिनके सामने वो पेशेंट वगैरह पेशेंट ही कह सकते हैं, वो पड़े होते हैं, वो उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाते। एक्चुअली दैट इज द लूप होल ऑफ आवर लीगल सिस्टम। एक्चुअली हम करते क्या है, जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति की या ऐसे पेशेंट की हेल्प की, लीगल एक्शन या लीगल जो क्वेरीज है उसी के अगेंस्ट जो है वो फाइल करते, उसी से पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। उन लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं करता।